इस तरह से काम कर रहा है ना क्लास ओनली पर। नाउ लेट अस गो फॉर क्लास टू लीवर। क्लास टू लीवर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए क्लास टू लीवर में क्या है। क्लास टू लीवर में आप पाएंगे ओके इसमें आप पाते हैं कि इस क्लास टू लीवर में सेंट्रल पोजीशन पे लोड रहेगा, लोड इज एट सेंटर, और बाकी दोनों साइड में आप टूज पाते हैं, जैसे फलक्रम पाते हैं और रिफर्स पाते हैं। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको समझने की जरूरत यह है कि लोड होगी इन बिटवीन इफर्ट एंड फलक्रम, बीच में लोड होगा, बॉडी का वेट भी बीच में रहेगा। और अगर हम पांव की तरफ जाएं तो टूज जो होती है वो फलक्रम का काम करेगी, और इफर्ट जो हमारे मसल्स के टूज के जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो इफर्ट का काम करेंगी, और बॉडी वेट पूरे वजन जो है वो हमारे बीच में रहेगा। तो यहाँ पे क्लास टू में जो आप पाएंगे कि लोड सेंटर पे रहेगी, फलक्रम और इफर्ट दो किनारे पे रहेंगे। ये चीजें मैकेनिक्स में लाया जाएगा, फिजिक्स में फिर। और क्लास थ्री की अगर हम बात करें लीवर जो हमारे बॉडी में कैसे काम करती है, क्लास थ्री लीवर, यहाँ पे इफर्ट बीच में रहेगा। ये लीवर है, इस लीवर के बीच में इफर्ट रहेगा, इफर्ट इज इन बिटवीन द लोड एंड फलक्रम। तो एक किनारे पे लोड है या उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस या बॉडी का वेट, और दूसरे किनारे पे फलक्रम। ये मैंने आपको शुरू में ही एग्जांपल देके बताया था कि जब आप अपने हाथ में कोई बॉल उठाते हैं, कोई भारी चीज उठाते हैं, तो एक साइड में हो गई लोड, और जो इफर्ट्स होंगी वो कहाँ पे होंगी, हमारे मसल्स में होंगी ना, लेकिन जो फलक्रम होगा, जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो एल्बो पॉइंट होगा। तो एल्बो पॉइंट फलक्रम होगा, इफर्ट जो होंगी हमारे मसल्स में लगेंगी जहां टेंशन लगेंगी, और लोड जो है जिस चीज को हम उठाएंगे। तो फोर आर्म जो होती है हमारे वो है जो लीवर की तरह काम करती है, और उसमें आप पाएंगे इफर्ट जो होती है वो बाइसेप्स हमारी मसल्स लगाती है, हाथ में जो वजन उठाते हैं बॉल का वेट वो लोड होगा, और एल्बो ज्वाइंट जो है ना वो फलक्रम का काम करेगा। तो इस तरह से ब्रीफ में हमारे नॉलेज में ये बात आई कि हमारे बॉडी में काम करती है क्या, हमारे बॉडी में काम करती है लीवर, और वो तीनों तरह की लीवर काम करती है। अब इसके बाद सर क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। अच्छा क्लियर नहीं हुआ तो मैं उसको फिर से बताऊंगा, वो थोड़ा इसमें फिजिक्स जुड़ा हुआ है, और फिर से बता दीजिए जुड़ा हुआ है। मैं उसको आपको मैं एक शॉर्ट में ट्रिक में बता सकता हूँ कि आप शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करेंगे। आप ऐसे याद करो कि अगर आपको याद ही करना है तो तीन तरह की लीवर होती हैं, ये मैं कोड बना रहा हूं, और उसमें एक है फर्स्ट क्लास की लीवर, सेकंड क्लास की लीवर, थर्ड क्लास की लीवर। और आपको तीन तो है जो तीनों कंपोनेंट्स मालूम है, एक कंपोनेंट है जिसका नाम है फलक्रम, दूसरे कंपोनेंट का इफर्ट, तीसरे कंपोनेंट का लोड। एक शॉर्टकट ट्रिक है कि लीवर जो क्लास वन होगी उसके सेंटर पे रहेगी फलक्रम, और सेंटर की मैं बातें बता रहा हूँ कि सेंटर पे फलक्रम रहेगी क्लास वन लीवर में, और बाकी दोनों साइड्स में आपकी इफर्ट्स और लोड रहेंगे। अगर आप लीवर टू में जाएंगे तो सेंटर पे यहाँ पे लोड रहेंगे, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं या वेट कहते हैं, और क्लास थ्री में जाएंगे तो सेंटर पे आपकी ई रहेगी, एफ एल ई, वन टू थ्री याद रखिए, एफ फलक्रम में, फलक्रम को बीच में, लोड है जो आपका बीच में रहेगा सेकंड में, और इफर्ट्स रहेंगे बीच में। ये एक छोटा सा ट्रिक है, इससे कभी कभी बाई चांस आया है बायो में ये क्वेश्चन मसल से, हालांकि एनसीईआरटी में इसकी डिस्कशन डिटेल में नहीं है, लेकिन मैकेनिक्स में तो इससे रिलेटेड पूरे न्यूमेरिकल्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैकेनिक्स में लीवर के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है ना। इस पे और इन्फॉर्मेशन इससे ज्यादा नहीं जानना है, खासकर मसल्स के लेवल पे। अब हम आपको पेल्विक गर्डल दिखाना चाहते हैं, पेल्विक गर्डल देखने की कोशिश कीजिए। पेल्विक गर्डल जो होती हैं वो क्या है, वो हिप बोन को कहते हैं, पेल्विक गर्डल इज द हिप बोन। और ये हिप बोन क्या करती हैं, जैसे ये हिप बोन में दो हड्डियां होती हैं बड़ी बड़ी ना, एक इधर है और एक इधर है, और ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं बीच में। तो ये इधर और इधर, इन दो हड्डियों का नाम क्या है, इसका नाम है कोक्सा, इसको बोलते हैं हम लोग कोक्सल बोन, कोक्सल बोन बोलते हैं। तो ये एक कोक्सल बोन में कौन कौन सी हड्डियों का फ्यूजन होता है, ये जो सिंगल कोक्सल बोन होती है इधर, उसमें तीन हड्डियां होती हैं, इलियम है, और फिर ये प्यूबिस है, और ये फिर यहाँ पे इस्चियम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्यूबिस ये हड्डी है और इस्चियम ये है, इन दोनों के बीच में छेद है। इस छोटे से होल को हम क्या कहते हैं, इस छोटे से होल को हम कहते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो
तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्यूबिस और ईस्चियम के बीच में छोटा सा जो होल है या ओपनिंग है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? द नेम ऑफ दैट इज ऑब्टूरेटर फोरामेन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो ये आप एक जो हड्डी हमने बताया कोक्सल बोन, उस कोक्सल बोन में आपने तीन हड्डियों का फ्यूजन देखा है, तो ये हिप बोन में होती है। उसी तरह से आधी अगर आप बाईं तरफ आ जाइए तो इधर भी आपको कोक्सल बोन मिलेगा, इधर भी ऊपर में इलियम है, यहाँ पे आपका ईस्चियम है, सॉरी ये प्यूबिस है और नीचे में ईस्चियम है। प्यूबिस और ईस्चियम के बीच में यहाँ भी ओपनिंग मिलेगा, इधर भी ओपनिंग मिलेगा। और एक खास बात जानना ये है कि इसमें एक अलग से ओपनिंग होती है, ये और ये ओपनिंग जो होती है, कैविटी जो होती है, इसका नाम है एसिटाबुलम। इसी एसिटाबुलम से थाई की जो बोन होती है ना फीमर, उसकी हेड जाकर आर्टिकुलेट करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला सवाल कि पेल्विक गर्डल क्या है, तो आप बताएंगे पेल्विक गर्डल हिप बोन है। दूसरा सवाल कि पेल्विक गर्डल किससे ज्वाइन करेगी, तो ये आर्टिकुलेशन करती है नीचे के लिम्स, लोअर लिम्स होती हैं, तो लोअर लिम्स जो होती है ना, तो उसमें ये तो आप देख रहे हैं कहाँ मिलेगा, ये तो ये पेल्विक गर्डल और हमारे जितने भी लिम्ब के बोन्स हैं ये तो एपेंडिकुलर है, तो जुड़ी रहेगी एक्सियल के साथ भी ना, एक्सियल मतलब सेंटर वाले के साथ। तो एक्सियल में क्या मिलेगा, एक्सियल में हमें वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। तो देखिए वर्टिब्रल कॉलम का सैक्रल बोन जो होता है और कॉक्सिक्स बोन होता है, ये देखिए, तो आप पा रहे हैं कि एक कनेक्शन होता है इलियोसैक्रम, जो मैंने उधर भी बताया था, इलियम यहाँ है, इलियम यहाँ है, सैक्रम ये है, इन दोनों के बीच में आप फ्यूजन पाएंगे। तो पूरे बॉडी का वेट जो होता है ना, वो इलियम और सैक्रम ये फ्यूज करके ही संभालती है, इलियम और सैक्रम। सैक्रम जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम की सैक्रल बोन है, सैक्रल वर्टिब्री। और लास्ट वाली जो आप देख रहे हैं वो क्या है, टेल बोन या काउडल बोन या कॉक्सिक्स बोन। तो देखिए सैक्रम का फ्यूजन ईस्चियम से होता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो पूरे बॉडी का वजन उठाती है। ऑलराइट, और कॉक्सल बोन है इधर और इधर, बहुत आसान है। कॉक्सल बोन इधर है, वो तीन बोन के फ्यूजन से होती है, ऊपर में तो इलियम है, ये है प्यूबिस, ये प्यूबिस इधर देख रहे हैं, और प्यूबिस का और नीचे में ईस्चियम है। प्यूबिस और ईस्चियम को सेपरेट करते हैं छोटे से छेद से, और इसका नाम है क्या, इसका नाम है ऑब्टूरेटर फोरामेन। लेकिन इधर जो कैविटी देख रहे हैं, इन दो कैविटी में एक दाहिनी तरफ का फीमर और एक बाईं तरफ का फीमर अटैच होता है। अब कुछ क्लियर हुआ? तो इसी बात को मैं देखा हूं, लिखा हूं, मैंने फिर से रिवाइज में करता हूं कि पेल्विक गर्डल इज द हिप बोन। पेल्विक गर्डल हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन और मूवमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब विद द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ टू कोक्सल बोन्स, और इस कोक्सल बोन को हम इननॉमिनेट बोन भी कहते हैं। प्रत्येक इननॉमिनेट बोन या ओक्सल बोन जो होती है, उनके तीन पार्ट्स होती हैं। ऊपर वाला मैंने बताया ईस्चियम, इलियम, और सबसे नीचे वाला ईस्चियम, और बीच में होती है साइड में आपको प्यूबिस। और प्यूबिस और ईस्चियम के बीच में हमने बताया था कि एक छोटा सा ओपनिंग होता है, प्यूबिस एंड ईस्चियम दे आर सेपरेटेड बाय ए होल, एंड दैट होल इज कॉल्ड ऑब्टूरेटर फोरामेन। ठीक है ना, आसान है ना? और वेंट्रली हम जाएं, वेंट्रल साइड में, तो ये दोनों तरफ के जो आधे आधे मतलब जो पोर्शन हुए, मतलब सिंगल सिंगल कोक्सल बोन हुआ, वो आपस में मीट करती हैं, फ्यूज करती हैं और प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती हैं। देखिए ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन जहां पे दोनों फ्यूज करती हैं, ये फ्यूजन वाला पॉइंट जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बनी होती है कार्टिलेज। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस कार्टिलेज का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कार्टिलेज। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं, कार्टिलेज जो है वो तीन तरह की होती है, उसमें मेनली दो तरह की बातें याद रखिएगा। एक होती है स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज फाइब्रस, बहुत ज्यादा उसमें धागे रहेंगी, और दूसरी होती है विक हायलिन कार्टिलेज। विक हायलिन कार्टिलेज आपको मिलेगा रिब्स में। रिब्स का जो एक किनारा होता है वो तो वर्टिब्रा से होता है जुड़ा हुआ, जहां पे दो एंड होती है, इसीलिए बाइसिफेलिक या डाइसिफेलिक कहते हैं। और रिब्स का जो दूसरा किनारा होता है वो जाकर कहां, स्टर्नम में जुड़ता है। तो स्टर्नम में मैंने बताया था कि जब जुड़ने लगेगी तो उसके किनारे में जो कार्टिलेज होती है सॉफ्ट, उसको हम हायलिन कार्टिलेज कहते हैं। और हायलिन कार्टिलेज विक कार्टिलेज है, विक कार्टिलेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो कोक्सल बोन जब आपस में फ्यूज करेंगी, तो ये सिम्फाइसिस मतलब फ्यूज करना। तो दो कोक्सल बोन जब वेंट्रल साइड मतलब पेट की तरफ जब दोनों फ्यूज करेगी, तो उस फ्यूजन पॉइंट को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहेंगे। और ये बहुत मजबूत होता है, बहुत सारे फाइबर्स के बने होते हैं। और फीमेल की बॉडी की अगर हम बात करें, तो फीमेल की बॉडी की जो पेल्विक डायमीटर होती है ना,
वो ज्यादा सर्कुलर और ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि फीमेल जो होती है वो अपने हायर स्टेज में है, ओल्डर एज में जब आती हैं तो उनमें फीटस का अकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है, और खासकर प्रेगनेंसी के दौरान। इसलिए फीमेल की बॉडी में जो पेल्विक की डायमेंशन होती है, डायमीटर होती है, वो ज्यादा बड़ी होती है और वो सर्कुलर ज्यादा होती है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको आसान सी समझ में आ रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, समझ में आ रहा है। तो पेल्विक गर्डल को एक बार फिर से देखें, पेल्विक गर्डल में क्या जानने की बात है, क्या नीट में सवाल आया है, कौन सा वो पोर्शन है पेल्विक गर्डल का जिसे फीमर जाकर के आर्टिकुलेट करेगा, तो आंसर होगा एसिटाबुलम। दूसरा सवाल कि उस पॉइंट को बताइए जहां पे दो कॉक्सल बोन आपस में फ्यूज करती हैं, वो पॉइंट कहलाएगी, कौन सी पॉइंट कहलाएगी, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस ये पॉइंट है, और वो कौन सी तरह की कार्टिलेज की बनी होती है, हाइलिड कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज। हम आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, आप एक रीडिंग लेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम ऊपर वाले शोल्डर बोन में चलते हैं जिसका नाम है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में देखिए, ये पेक्टोरल गर्डल में आप पाते हैं जो शोल्डर बोन होती हैं उसमें दो हड्डियां मेजर होती, जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं, जिसको हम लोग क्लेवाइकल भी कहते हैं। तो दो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं पेक्टोरल गर्डल के आधे पोर्शन में, और बाकी आधे पोर्शन में भी दो हड्डियां मिलेंगी, तो पेक्टोरल गर्डल में कुल मिलाकर के कितनी हड्डियां हो जाएंगी बताइए, चार। पढ़ लीजिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं। पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर बोन कहते हैं, और आधे हिस्से में दो हड्डियां, आधे हिस्से में दो हड्डियां, कुल मिलाकर के फोर बोन्स होगी। जबकि वेयर एज पेल्विक गर्डल में मात्र दो ही बोन होती हैं, तो पूरे अगर हम गर्डल की बात करें तो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल बिना करके हमारे पास चार और दो छह हड्डियां होती हैं। पेक्टोरल गर्डल का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट और आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्स विद द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एस एस का मतलब स्केलेटल सिस्टम। तो हमारे शोल्डर से जो हाथ, दोनों हाथ हिलते फिरते हैं वो हमारे शोल्डर बोन में ही जाते हैं, और शोल्डर बोन को कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। अब एक पेक्टोरल गर्डल में आपको मैंने यहाँ दो आधा हिस्सा होगा, टू हाफ हाफ हिस्सा, और एक हाफ में दो हड्डियां होंगी, तो दो हाफ में कितनी हो जाएगी, चार। तो चार बोन मैंने बताया। अब ये जानना है कि एक हाफ जो है, इच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, उसमें दो बोन्स होती है, तब ना दो में आपको चार होंगी, और दिस टू बोन्स आर कॉल्ड स्कैपुला एंड क्लेवाइकल। क्लेवाइकल को ही मैं कह रहा था कॉलर बोन, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, या इसको हम इसी को क्लेवाइकल कहते हैं। याद रखिएगा, ये दो हड्डियां होती हैं आधे हिस्से, पेक्टोरल गर्डल के आधे हिस्से में, जबकि पेल्विक गर्डल में आधे हिस्से में सिंगल बोन होता है कोक्सल बोन, वो तीन हड्डियों के फ्यूजन से बनती है, एम आई राइट। अब स्कैपुला को देखिए, स्कैपुला को अभी मैंने बना के ही दिखाया है, इसी स्कैपुला के बारे में। ये स्कैपुला के बारे में पहला पॉइंट कि ट्रायंगुलर होगा, तीन कोना, दूसरा बड़े साइज का होगा, तीसरा ये फ्लैट बोन। बोन तो कई तरह की होती है ना, लॉन्गर बोन, शॉर्टर बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, तो ये फ्लैट बोन है। इसके बाद ये कहां पे होंगी, अगर आप रिब्स की बात कीजिए, डॉर्सल साइड में ना होंगी, पीठ की तरफ ना होती हैं, और पीठ की तरफ होंगी तो जो रिब नंबर टू है और रिब नंबर सेवन तक ये फैली होती है, टू से सेवन तक। और इस स्कैपुला में एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रोजेक्शंस निकली होती हैं हड्डियों का, पहला प्रोजेक्शन, दूसरा प्रोजेक्शन, तीसरा प्रोजेक्शन। पहला प्रोजेक्शन स्पाइन जैसी होती है, स्पाइनस प्रोसेस या प्रोजेक्शन कहेंगे। दूसरा ये वाली निकली हुई है उसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। तीसरा यहां पर निकली हुई है उसको हम कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो इतनी गहराई में तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ पे तीन प्रोसेस या तीन प्रोट्यूबरेंस है, और ये तीन में एक का स्पाइनस, दूसरे का एक्रोमियन, तीसरे का कोराकॉइड प्रोसेस नाम है। लेकिन स्कैपुला में मेन इंपॉर्टेंट आपको जानना है कि बोन कैसा है, ये फ्लैट बोन है, नंबर वन। नंबर टू कि अगर बहुत डेप्थ में गया तो कौन कौन से रिब के बीच में होती हैं, तो
तो ये डॉर्सल साइड में सेकेंड रिब से लेकर सेवंथ रिब तक ये फैली हुई होती है, दो बोथ साइड्स, क्योंकि पेक्टोरल गर्डल के दो हाफ होंगे ना। अब हमें बताना है कि एक्रोमियन जो होती है प्रोसेस, उसके ठीक नीचे में यहाँ पे गड्ढा या कैवाइटी दिखाई दे रहा है। देखिए ये कैवाइटी, इस कैवाइटी को कहते हैं हम ग्लेनॉइड कैवाइटी, और इस ग्लेनॉइड कैवाइटी से हमारे फोर आर्म का, ऊपर के हाथ का जो ह्यूमरस हड्डी होता है ना अपर आर्म का, वो उसका हेड जाकर इस ग्लेनॉइड कैविटी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह जाकर के वो फिट हो जाती है, आर्टिकुलेट कर जाती है। तो क्या हमने बताया है कि बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस देयर इज अ डिप्रेशन, एक गड्ढा होगा, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड ग्लेनॉइड कैविटी। ओके, और ग्लेनॉइड कैविटी है जो वो आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस के हेड से, और इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट हमारी मूव करती है, और वहां पे जो ज्वाइंट होती है, ज्वाइंट में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होती है। बॉल एंड सॉकेट टाइप की जो ज्वाइंट होती है वो बहुत बढ़िया से हाथ को घुमाने में इन ऑल डायरेक्शन मदद करती है। तो जहां भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा, समझिए कि वहां पे मूवमेंट बड़ी अच्छी होगी। ठीक है ना, आसान है ना। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पे मिलेगा, शोल्डर में मिलेगा, और नीचे में भी आपको मिलेगा हिप ज्वाइंट में। वहां पे फीमर के हेड के साथ क्या था, फीमर के हेड के साथ एसिटाबुलम था ना, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ह्यूमरस के हेड के साथ क्या होगा, ग्लेनॉइड कैविटी। तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि ह्यूमरस के हेड के साथ ग्लेनॉइड कैविटी, और हमारे पाँव में, लेग में फीमर के हेड के साथ वहां पे एसिटाबुलम होती है जो कोक्सल बोन में होता है। तो बड़ा आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और क्लेवाइकल को अगर गौर से देखिए तो क्लेवाइकल एक ऐसी बोन है, थोड़ी कमजोर बोन होती है, ये सिलिंड्रिकल और थिन होती है। इसके दो किनारे हैं, एक किनारा जो है स्टर्नम की तरफ और दूसरा जो है स्कैपुला की तरफ, पेक्टोरल गर्डल के स्कैपुला की तरफ एक्रोमियन एक्सट्रीमिटी होती है। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको समझना था। अगर फिर से दोहराइए पेक्टोरल गर्डल, तो पेक्टोरल गर्डल में खास बातें क्या होंगी, चार हड्डियों की बनी होती है, आधी आधी में आपको दो दो हड्डियां मिलेंगी, और ये दो हड्डियां कौन कौन सी है, सुप्रीम कोर एस से स्कैपुला और सी से क्लेवाइकल। अगर हम पेल्विक गर्डल को फिर से हम रिकैप कर लें, तो पेल्विक गर्डल में क्या कितनी हड्डियां होती हैं, दो होती हैं। एक हड्डी का नाम क्या होगा, कोक्सा, कोक्सल होती है बोन, और उस एक एक कोक्सल बोन तीन हड्डियों के फ्यूजन से बनती है, वो क्या है, इस्चियम, प्यूबिस और इलियम, है ना। तो एक हड्डी उसमें कोक्सल बोन, दो हड्डियां दो कोक्सल बोन। इस तरह से पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल आपने देखा, और हमने अभी मॉर्निंग सेशन में दिखाया भी था कि जब फीमर टूट जाती है तो किस तरह से हम उसका फ्रैक्चर को कैसे हम एक इंटरलॉक मेथड से उसको हम इसके अंदर हम रॉड लगाते हैं। और फिर आपने ये भी देखा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम किस तरह से नी रिप्लेसमेंट करते हैं, नी के बोन जो होती है ना उसमें जो दोनों एंड में देखते हैं कि दोनों एंड में कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो उसे हटाकर वहां पे कैसे इम्प्लांट करते हैं और लिगामेंट की जगह पे कैसे हम वहां पे जोड़ते हैं, वो चीजें दिखाई गई। अब इसके बाद हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं, अब हम आपको दिखलाना चाहते हैं, वैसे आपने पढ़ा भी है, वो है स्टर्नम। तो स्टर्नम तो पता है, स्टर्नम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेना है, वो आपको मालूम है कि वो वेंट्रल साइड में होती है। ये भी एक फ्लैट है, नैरो है, चाकू की तरह, डैगर की तरह लंबी बोन है ये, और 15 सेंटीमीटर लंबी होती है आगे की तरफ, और वेंट्रल साइड में हुआ मिड लाइन में होती है, और इसी से आप पाएंगे कि रिब्स जो होती है ना वो इसी से अटैच होती है, जस्ट सी की रिब्स इसी से अटैच होती है, ठीक है। और ये बनी होती है स्टर्नम के भी तीन पार्ट्स होते हैं। इसके तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, आज सुबह में किसी ने पूछा था हमसे, तो इसके तीन पार्ट्स में एक होती है, उसका नाम क्या है, मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम ऊपर वाला पार्ट है जो कि क्वाड्रिलैटरल होती है, उसको हम अपर वाले पार्ट को हम उसको और भी एक नाम से बोलते हैं, और उसके नीचे जो है वो बॉडी कहलाती है जिसे हम मेजोस्टर्नम कहते हैं। मैन्यूब्रियम को हम प्रोस्टर्नम भी कह सकते हैं, और बीच वाले बॉडी को मेजोस्टर्नम, और नीचे वाले को हम कहेंगे जो जाइफाइड प्रोसेस लोअर वैली, उसको हम मेटास्टर्नम भी कहते हैं, इसको हम जाइफियस्टर्नम भी कहते हैं। तो तीन तरह की जो डायग्राम पार्ट हो गई स्टर्नम की, वो समझने की कोशिश कीजिए डायग्राम में। ऊपर की ये जो पोर्शन है मैन्यूब्रियम, इसी को हम कह रहे थे प्रोस्टर्नम, और ये बॉडी है मिडिल पार्ट, इसको हम मेजोस्टर्नम भी कह सकते हैं, और सबसे छोटे वाले पोर्शन को हम
XIPHOID, xiphoid process, या इसको हम मेटास्टर्नम भी कहते हैं। क्या है इसका काम, क्या है फंक्शन, क्या है इस फंक्शन को गौर से देखिए, क्या काम है स्टर्नम, क्या करती है? आपको मालूम है स्टर्नम ब्लड बनाती है। सबसे पहला काम तो उसमें ब्लड बनता है। स्टर्नम में रेड बोन मैरो होती हैं, और रेड बोन मैरो होगी तो ब्लड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस बोलते हैं। यस दीप्ति वर्मा, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके ओके। सो फंक्शन जो होती है स्टर्नम की, अगर आप बात करें, ऑल राइट, हेलो, हाँ, फंक्शन जो होती है उसको आप गौर से देखिए। पहला तो ये है कि स्टर्नम किस लैटरल साइड से निकलती है, रिब्स, तो रिब्स की जो केज बनती है ना, उसमें स्टर्नम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वेंट्रल साइड में स्टर्नम होगी, डॉर्सल साइड में पीठ की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होगी, है ना। और आप पाएंगे कि इसी स्टर्नम में साइड में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसी से अटैच्ड होती है क्या, रिब्स अटैचमेंट होता है, रिब्स का अटैचमेंट होता है, ऊपर में क्लेवाइकल कॉलर बोन का भी अटैचमेंट होता है। इसका मतलब है कि इसका पहला फंक्शन हो गया कि रिब केज का कंपोनेंट है, दूसरा ये अटैचमेंट करेगी रिब्स का लैटरली, तीसरा ये डायफ्राम की मसल्स जो नीचे होती है उसको भी प्रोटेक्ट करती है, और इसके साथ साथ ये ब्लड भी बनाती है। वैसे आपको मालूम है ना कि ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो होता है बोन मैरो में, हमारे बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, और रेड बोन मैरो स्टर्नम में भी होती हैं, हमारे फीमर में, ह्यूमरस में भी होती हैं। इसके साथ साथ रेड बोन हमारा ब्लड का फॉर्मेशन स्प्लीन में भी होता है, याद आ रहा है, और किडनी में भी, मैंने पढ़ाया था कि किडनी में भी एक हार्मोन निकलती है इरिथ्रोपोएटिन, और इरिथ्रोपोएटिन जो होती है वो इरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करती है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना होगा कि स्टर्नम का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्टर्नम जो होती है वो एक तो बोन है, सिंगल बोन है, वो फ्लैट बोन है, और ये डैगर की तरह, मतलब चक्कू की तरह होती है, ऊपर का, बीच का और नीचे का, तीन पार्ट होता है, मैनुब्रियम, मिडल पार्ट, बॉडी एंड जायफाइड। और इसके फंक्शंस क्या है, एक तो अटैचमेंट के लिए है, रिब्स के लिए अटैचमेंट के लिए, लेटरली डायफ्राम को प्रोटेक्ट करेगी, क्लेवाइकल को भी जगह देती है, और ब्लड का फॉर्मेशन किया है। लेकिन रिब्स को हम फिर से दोहरा देते हैं, फिर से समझ लीजिए रिब्स के बारे में। रिब्स कितनी होती हैं, 12 जोड़े रिब्स होती हैं, और ये थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ा रहता है, याद रखिएगा, रिब्स की जॉइनिंग हमेशा थोरेसिक वर्टिब्री से होती है, इट इज नॉट जॉइंड विद द सर्वाइकल और सैक्रल, इट इज जॉइंड विद द थोरेसिक वर्टिब्री। और इसके साथ साथ ये भी जानना है कि इसके डॉर्सल साइड में रिब्स जो होती है ना, वो डॉर्सल साइड में किससे जुड़ी रहेगी और वेंट्रल साइड में किससे जुड़ी रहेगी। तो डॉर्सल साइड में ये जुड़ी रहेंगी वर्टिब्रल कॉलम से, और वर्टिब्रल कॉलम से जब ये डॉर्सल साइड में जुड़ी रहेंगी तो वहां पे दो पॉइंट से जुड़ेगी, इसीलिए इसका नाम है बाइसिफेलिक रिब। हमारा जो है रिब बाइसिफेलिक इसलिए होता है कि डॉर्सल साइड में जब ये सटेगी वर्टिब्रल कॉलम की दीवार से तो दो पॉइंट से सटेगी मजबूती से, और वेंट्रल साइड में स्टर्नम से सटेगी तो वहां पर उसे विक कार्टिलेज, हायलिन कार्टिलेज मिलता है वेंट्रल साइड में। इस तरह से आप पाते हैं कि ये थोरेसिक बास्केट या रिब केज बनाने में भी मदद करती है। प्रत्येक रिब का कर्व्ड बोन होता है, और इसमें आप दो पोर्शन पाएंगे, एक तो वर्टिब्रल पार्ट मिलेगा जिधर वर्टिब्री की तरफ ज्वाइन करेगा, और दूसरा स्टर्नल पार्ट जिधर स्टर्नम की तरफ ज्वाइन करेगा। अभी अभी मैंने बताया कि डॉर्सल बैक साइड में वर्टिब्रा की तरफ दो पॉइंट से ज्वाइन करेगा, इसीलिए इसका नाम है डाइसिफेलिक। और स्टर्नम की तरफ जब जाएंगे तो वहां पे जो ज्वाइनिंग पोजीशन होगा वहां पर कार्टिलेज मिलता है, विक कार्टिलेज, जिसका नाम है हायलिन कार्टिलेज। तो हमने ये भी लिखा है कि प्रत्येक रिब में आपको एच से हेड, एन से नेक, टी से टिब्रिकल मिलेगा, और इसकी बॉडी जो होती है वो साफ्ट कहलाती है, और जो कार्टिलेज जो होती है, जिस कार्टिलेज से वो ज्वाइन करती है स्टर्नम से, उसको हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, इसी से अटैचमेंट उसका स्टर्नम से होता है। तो हमने बताया कि बाइसिफेलिक क्यों होती है, क्योंकि इट मींस इट हैज टू पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑन द डॉर्सल साइड, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड बाइसिफेलिक।
रीफ्स के तीन टाइप्स होते हैं, एक होती है ट्रू रीफ्स, दूसरी होती है फॉल्स रीफ्स, तीसरी होती है फ्लोटिंग रीफ्स। ट्रू रीफ्स पहला से लेके सातवां तक, फर्स्ट सेवन पेयर्स ऑफ रीफ्स आर ट्रू रीफ्स, क्योंकि ये डॉर्सली अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली अटैच होती हैं वो स्टर्नम से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रू रीफ्स। और एट्थ और नाइन्थ और टेंथ पेयर्स में पाएंगे कि वो डॉर्सली पीठ की तरफ वो वर्टिब्रल कॉलम से जरूर जुड़ी रहेगी, लेकिन वेंट्रल साइड में आप पाएंगे कि वो स्टर्नम से न जुड़ करके सेवंथ रीफ से जुड़ जाती है, सेवंथ पेयर ऑफ रीफ से, आपस में भी जुड़ी रहती है लेकिन सेवंथ पेयर से जुड़ती है, इसीलिए इसका नाम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स भी कहते हैं। और लास्ट में जो हमने 11th और 12th रिप्स बताया था वो है फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स में क्या होता है, थर्ड फ्लोटिंग रिप्स में, इसमें पीछे की तरफ मतलब डॉर्सल साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम से तो जरूर जुड़ी रहेंगी लेकिन वेंट्रल साइड में वो फ्री रहती है, हवा में फ्लोट करते रहती है लेकिन ये किडनी को कवर करके रखती है, इसीलिए इसका नाम है फ्लोटिंग रिप्स। तो रिप्स से भी सवाल आया है, आपको बता दूं मैं कि स्केलेटल सिस्टम से जो एग्जाम में नीट में सवाल जब भी आए हैं तो उसमें आपको अच्छी तरह से ध्यान से मन लगा करके याद रखना है। पूछा जाता है कि थोरेसिक वर्टिब्री कितनी है, पूछी जा सकती है कि रिब्स केज में टोटल हड्डियां कितनी होंगी, पूछा जा सकता है कि अगर रिब का अगर हम एक्सटर्नल एंड लेंगे तो उधर जो कार्टिलेज होगी कैसी कार्टिलेज होगी, हाइलिन कार्टिलेज होगी कि वो फाइबरस कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग वाली होगी, तो ऑफकोर्स वहां पे हाइलिन और वीक वाली कार्टिलेज होगी। फाइबरस स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज आपको कहाँ मिलती है, जहां पे मजबूती चाहिए, जैसे कि पेल्विक गर्डल में दो होती है ना कोक्सल बोन, दोनों को ज्वाइन करने के लिए प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, तो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, है ना। तो आसान लग रहा है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं ना लग रहा है। सारी चीजों को आप पढ़िए और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने आपको एनसीईआरटी से ज्यादा बताया है बढ़ करके, जैसे ये बातें आपको मैंने बार बार बताया, आज मैं मॉर्निंग सेशन में बताया था कि स्केलेटल सिस्टम एक्सोस्केलेटन भी होती है और एंडोस्केलेटन भी होती है, तो एक्सोस्केलेटन के बारे में ज्यादा डिस्कस एनसीईआरटी ने नहीं किया है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हड्डियों वाले जानवर में भी एक्सोस्केलेटन होती है। और एक्सोस्केलेटन के बारे में अगर सवाल उठता है कि ऑल एक्सोस्केलेटन आर एक्टोडर्मल, गलत, हमारे पास मेजोडर्मल भी एक्सोस्केलेटन होती है, तो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल दोनों, एक्टोडर्मल और मेजोडर्मल दोनों होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मेजोडर्मल को हम खाली डर्मल भी बोलते हैं और एक्टोडर्मल को हम सिंपली एपिडर्मल भी बोलते हैं। आप घबराएंगे नहीं कि सर एनिमल में एपिडर्मिस कहां से आ गया, एपिडर्मिस एक्टोडर्म को ही कहते हैं, याद रहेगा ना। तो आपको ये याद रखना होगा, मैं इस नोट को आप अच्छी तरह से रिपीट कीजिएगा, बड़े आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो बोन के और कार्टिलेज के डिफरेंस भी हमने बताया है आपको, मैंने एंडोस्केलेटन के बारे में बताया है। एंडोस्केलेटन के बारे में पूछा जाएगा तो इसका ओरिजिन मेसोडर्म का होता है, इसमें हमने आपको एक ही दो ऐसे एक्सेप्शन बताए थे, जैसे आई का आयरिस वाला बताया था कि वो मेसोडर्मल नहीं होती है। तो इस तरह से आपको मैंने एंडोस्केलेटन के बारे में बताया। एंडोस्केलेटन में आप पाएंगे कि इसमें जो मसल्स होती है ना वो इसके बाहर के सरफेस में, हमारे हाथ में अगर हड्डियां हैं तो हड्डियों के बाहर में मसल्स जुड़ी रहती है, लेकिन एक्सोस्केलेटन में जैसे नाखन है हमारा, नेल है, उसमें मसल्स उसके अंदर रहती है, ये जानना होगा। और एक्सोस्केलेटन तो आपने सुना होगा, सांप में भी है जो केचुआ केचुआ छोड़ती है, तो वहां पे एक्सोस्केलेटन में मोल्टिंग होता है, लेकिन एंडोस्केलेटन की मोल्टिंग छोड़ करके बार बार रीअपीयरेंस नहीं होता। और एंडोस्केलेटन भी पूछा जाएगा कि क्या एंडोस्केलेटन सिर्फ वर्टिब्रेट्स में मिलता है, नो, एंडोस्केलेटन इनवर्टिब्रेट्स में भी, जैसे स्पॉन्जेज में, स्पॉन्जेज आती है ना पैराजूलॉजी में, आपने पढ़ा है ना पोरीफेरा, तो पोरीफेरा के सेल के अंदर स्पिक्यूल्स हार्ड स्ट्रक्चर होती है जो उसमें हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में किस तरह का अरेंजमेंट है। अब वर्टिब्री की बात हमको करना है वर्टिब्रल कॉलम में, तो वो नेक्स्ट सेशन में कल सुबह, टुमारो इन द मॉर्निंग एट 9:15 हम वर्टिब्री के बारे में भी थोड़ा बताएंगे, डिजीज को हम फिर से दोहराएंगे, आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे, डाउट्स भी क्लियर करेंगे। आप जो है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। अब अगर आप देखिए यहाँ पे ये वर्टिब्रल कॉलम को मैंने दिखाया, यहाँ पे बता ही दिया है हमने कि सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती हैं, लंबर वर्टिब्री 5 होती हैं, सैक्रम 1 होता है एडल्ट में जो फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स की होती हैं, कॉकेक्स या टेल बोन या इसको काउडल बोन
वो चार बोन के फ्यूजन से होती हैं। इस तरह से टू कुल मिला के 28 होती है। 26 और देखिए, हाँ आई एम सॉरी 26। और ये अगर आप रिब्स केस की बात कीजिए तो रिब्स केस को भी आपको जोड़ना होगा, थोरेसिक वर्टिब्री को सारा का सारा गिन लीजिए, स्टर्नम को गिन लीजिए ऐसा हमने बताया है, और सारे रिब्स को गिन लीजिए सारा। मैंने गिन करके उसका एक मैंने मटेरियल आपको दिया। अब ये मुझे बताना है कि ये जो आप देख रहे हैं रिब्स केस, ये हमारे बॉडी के डायमीटर को मेंटेन करता है, और ये रिब्स की बोन जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करती है ना, स्टर्नम ऊपर चली जाती है। ऑलराइट, अब देखिए जैसे जैसे पहला दूसरा तीसरा रिब नीचे जा रहा है तो साइज इसकी बड़ी होती चली जाती है। इसमें अगर आप रिब्स केस पूछेंगे तो रिब्स केस में वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम होती है, बैक साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम होती है, लेटरल साइड में हमारी रिब्स होती है। इस तरह से रिब्स का केस का फॉर्मेशन होता है, जो हमने बनाया भी है, बताया भी है कि 12 पेयर्स रिब्स हो गई, 24 हड्डियां, थोरेसिक में 12 और स्टर्नम की एक, कुल मिला के 37 बोन्स होती है। ठीक है ना, छोटा सा गोला सा पोर्शन जो कैविटी होता है एसिटाबुलम, जिसमें की जाकर तो चार लिप्स में कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, अच्छा से याद कीजिए, और अच्छा से याद करेंगे रिवाइज करेंगे तो